ओटीटी पर भौकाल काटने वाली मिर्जापुर वेब सीरीज में गद्दी को लेकर जंग जारी है। दो सीजन के बाद तीसरे सीजन में भी पूरी लड़ाई मिर्जापुर के कंट्रोल को लेकर ही रहेगा। फिल्मी दुनिया ही नहीं बल्कि रियल में भी मिर्जापुर जिले में डकैत से लेकर बाहुबली व माफियाओं ने राज किया है। उनका कंट्रोल मिर्जापुर जिले पर रहा है। 90 के दशक के बाद गद्दी को लेकर कई बार जंग लड़ा गया, जिसमें डकैत फूलन देवी, डकैत ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल, बाहुबली विजय मिश्रा व विनीत सिंह ने राज किया, जहां जिले का कंट्रोल लेकर यहां की सियासत की। मिर्जापुर जिले में बाहुबल की एंट्री 90 के दशक में हुई। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने डकैत फूलन देवी को टिकट देकर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया। चुनाव में फूलन देवी को जीत मिली। एक नहीं बल्कि दो बार फूलन देवी ने चुनाव में जीत दर्ज की। हालांकि सांसद रहते उनकी हत्या कर दिया गया, जिसके बाद 2009 में डकैत ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल ने गद्दी की जंग के लिए मैदान में आ गए। बाल कुमार पटेल भी सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5 सालों तक मिर्जापुर का कंट्रोल अपने हाथों में रखा। बाल कुमार पटेल के बाद मिर्जापुर में गद्दी की लड़ाई में विजय मिश्रा और विनीत सिंह की एंट्री हुई। उभरते बाहुबली विनीत सिंह और विजय मिश्रा MLC चुनाव के लिए आमने सामने आए। 2016 में पहली बार MLC पद के लिए बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी रामलली समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरी। वहीं विनीत सिंह के भाई त्रिभुवन सिंह बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में आए। इस चुनाव में बाहुबल के साथ हथियार आदि प्रयोग करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद रामलली चुनाव में जीत गई। हालांकि इसके बाद मिर्जापुर का कंट्रोल विनीत सिंह के हाथों में आ गया और चुनाव जीतकर विनीत सिंह मिर्जापुर की सियासत कर रहे हैं। मिर्जापुर जिले के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजय दुबे का कहना है कि जिस तरीके से मिर्जापुर वेब सीरीज में बाहुबल को दिखाया गया है, हकीकत में मिर्जापुर में ऐसा कुछ नहीं है। मिर्जापुर के लोग इतने भोले भाले हैं, इतने दिलदार हैं कि हम तो माफिया, डकैत और ददुआ के भाई बाल कुमार को, फूलन को हम लोगों ने सांसद बनाया, तो यह हमारी उदारता का परिचय है। और अगर हम उस तरह के खुद होते तो यहाँ कोई माफिया सरगना और कोई डकैत आता चुनाव लड़ता और सांसद बन के थोड़ी जाता। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ माफियाओं का राज है, और कभी विजय मिश्रा और श्याम नारायण सिंह जैसे लोगों ने यहाँ पे, उनके भाई ने चुनाव लड़ा, और लेकिन उस तरह का जैसे फिल्मों में यहाँ दिखाया गया है, लेकिन उस तरह का कोई सीन मिर्ज़ापुर में नहीं देखने को मिलता। और मिर्ज़ापुर के जस्ट विपरीत ये वेब सीरीज बनाई गई है और लोगों को परोसी भी जा रही है कि यहाँ से फूलन देवी के बारे में इस भारत का कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता। बैड इट क्वीन एक पिक्चर आई थी जो पूरी तरह से फूलन देवी के जीवन पर बनी थी। इसके बाद ददुआ का भाई बाल कुमार पटेल, इसके बाद विनीत सिंह जैसे लोग भी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी पत्नी रही, वो भी दो बार से MLC हुए। उनके भाई त्रिभुवन सिंह का भी नाम बहुत आता है, वो भी चुनाव लड़े विजय मिश्रा की पत्नी रामलली के खिलाफ। रामलली और विजय मिश्रा को भी बाहुबली के रूप में जाना जाता है। ये कहा जाए कि मिर्ज़ापुर जनपद बाहुबलियों का गढ़ है तो गलत नहीं होगा, लेकिन जैसी छवि यहाँ की जनता की दिखाई जा रही है वो एकदम जस्ट अपोजिट है, वो विपरीत है। ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में नहीं है, और न तो मिर्ज़ापुर की जनता इस तरह की है। मिर्ज़ापुर की जनता भोली भाली है, अतिथि देवो भव की भावना से काम करती है, और हमने उसकी मिसाल भी दिया। दो दो तीन तीन बार हम लोगों ने फूलन को सांसद बनाया, बाल कुमार को सांसद बनाया, रामलली जी यहाँ से MLC बन के गई, तो ये हमारी उदारता का परिचय है।